हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज June 21, 2023। वी विल क्विकली गो थ्रू द पेपर एंड एडिटोरियल। ओके, फर्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट क्लियर्स डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस इन बंगाल फॉर लोकल पोल्स। ठीक है, इट वॉज इशू गोन इन टू द कोर्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट वॉज आस्किंग देयर शुड बी नॉट अ डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस फॉर द इन द वेस्ट बंगाल फॉर द इलेक्शंस ऑफ पंचायत लेवल। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे हेल्ड अ कलकत्ता हाईकोर्ट डिसीजन ऑल राइट फॉर अलो फॉर सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज टू एंटर वेस्ट बंगाल टू इंश्योर अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। वेस्ट बंगाल में अभी तक बहुत वायलेंस हुआ है, हिस्ट्री रही है वेस्ट बंगाल की, पंचायत इलेक्शन में बहुत वायलेंस होता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल फोर्स वहाँ पे डिप्लॉय होगी। और खाली जहाँ बूथ्स जो जहाँ पे इलेक्शन मतलब जहाँ इलेक्शन है वहीं पे ये फोर्स डिप्लॉय होगी। ठीक है, बाकी हाँ, चाइना ये इम्पोर्टेंट है। चाइना पाकिस्तान इंक न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर प्लांट डील। ठीक है, तो चाइना पाकिस्तान के अंदर 1200 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश करेगा। कहाँ करेगा? चश्मा में, इन मियानी वाली डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब, पाकिस्तान में जो पंजाब इलाका है वहाँ पे चश्मा, याद रखना चश्मा। ठीक है, वहाँ पे वो करेगा एस्टेब्लिश न्यूक्लियर पावर प्लांट। कितने वैट का? 1200। ठीक है, पाकिस्तान एंड चाइना आर ऑल वेदर फ्रेंड्स, ये याद रखना, दे आर ऑल वेदर फ्रेंड्स, मतलब उनकी दोस्ती शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची और समुंदर से गहरी है। ठीक है, के बाद एडिटोरियल में आज इतना कुछ अच्छा नहीं है, अमेरिकन कल्चर और ये भी अच्छा नहीं है आज के एडिटोरियल में, नहीं इतना कुछ। हाँ, ओपिनियन पेज में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सेमीकंडक्टर फैब। जो सेमीकंडक्टर की बनाने की फैक्ट्री होती है उसको फैब बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मैं आपको पूरा क्रक्स बताऊंगा आर्टिकल में क्या क्या है। आर्टिकल में ये दिया है, इंडिया में प्रोग्रेस कैसी हुई सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सबसे पहले 2007 में फर्स्ट अटेम्प्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, किसके अंतर्गत? स्पेशल इंसेंटिव पैकेज, सिप, स्पेशल इंसेंटिव पैकेज दिया गया था फॉरेन कंपनी को या कंपनियों को कि आप आइए यहाँ पे फैब लगाइए, मतलब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाइए। ठीक है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं। उसके बाद 2012 में उसी स्कीम को मॉडिफाई किया, तब दो कंपनी आई। ठीक है, टू कंसोर्टिया, मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज, दो आई, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि आप $5 बिलियन डालिए, हम $5 बिलियन आपको टैक्स बेनिफिट्स और कुछ पैसों कैश में दे देंगे, लेकिन लास्ट में एग्रीमेंट कुछ हुआ नहीं और वो एस्टेब्लिशमेंट हुई नहीं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है उसमें एक लॉ बताया जाता है, मोरेज लॉ। मोरेज लॉ क्या बोलता है? अगर ये सेमीकंडक्टर है तो इसका जितना एरिया है, ठीक है, एक एरिया में जितने अगर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं तो वो 18 मंथ्स में उसके दो गुना ट्रांजिस्टर हो जाते हैं। ओके, आई विल रीड, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इन ए यूनिट एरिया डबल्स एवरी 18 मंथ्स। ठीक है, 18 महीने में डबल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये इतना चेंजिंग सेक्टर है, अगर आज आप टेक्नोलॉजी बनाओगे तो वो 18 मंथ्स में इतना मॉडिफाई हो जाएगी, आपको डबल ट्रांजिस्टर्स बनाने डालने पड़ेंगे उसी साइज की चिप के अंदर। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने, पॉसिबल नहीं है इंडिया में बनाना ऐसा लग रहा है, बट फॉरेन कंपनीज जो जहाँ पे अभी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सेमीकंडक्टर्स की, वहाँ से अगर अपन मंगाते हैं, इफ़ यू इम्पोर्ट द सेमीकंडक्टर्स, तो वो बहुत चिप जाता है क्योंकि उसका वेट कुछ नहीं होता है, उसका वेट भी नहीं होता है और उस पर कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगती है, तो इट्स इजी। ठीक है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसको सेमीकंडक्टर्स चाहिए तो वो बनाने से अच्छा है जहाँ पे अभी अपडेटेड टेक्नोलॉजी है उसी से मंगा के ले, R&D करने से अच्छा है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए इनिशियली। जब आप R&D करोगे और उसको जब वर्क करने लगाओगे, जब तक आप वर्क करने में लगाओगे तब तक तो वो और एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आर्टिकल में एग्जाम्पल दिया गया है चाइना का, तो चाइना ने क्या किया है, चाइना ने
वेस्टर्न वर्ल्ड्स में जितने भी सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्रीज थी जो अभी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी, लॉस मेकिंग थी, उनको परचेस कर लिया। अभी आपको लगेगा क्यों परचेस किया, तो चाइना का ये इंटेंशन था कि भाई उनके पास टेक्नोलॉजी होगी, कोई स्टाफ होगा, तो उनसे वो कुछ सीख सकेंगे। ठीक है, चाइना के पास रेयर अर्थ मटेरियल से क्लीन वाटर है और टेक्नोलॉजी उनको बाहर से लेनी है, ये तीन ही चीजें चाहिए सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए। तो ये दो चीजें तो उनके पास है, रेयर अर्थ मटेरियल, क्लीन वाटर। ठीक है, जो अपना अस्काई चीन का एरिया जो उन्होंने लिया है वहीं से वो क्लीन वाटर लेते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत प्योर वाटर चाहिए। और उसके बाद रेयर अर्थ मटेरियल उनके पास डिपॉजिट्स है, और टेक्नोलॉजी वो जो लॉस मेकिंग कंपनीज थे उनसे वो ले रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग। अभी वो बहुत सारा गवर्नमेंट सपोर्ट से अपनी चाइना के अंदर ही एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, राइटर का क्या कहना है, राइटर बोल रहे हैं कि आप इंडिया में ATMP ये मॉडल लागू करो। क्या ये मॉडल, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग, अगर ये इंप्लीमेंट करोगे तो सेमीकंडक्टर्स का एक इकोसिस्टम बनेगा। ठीक है, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग, ATMP याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये बनाओगे तो इसके हिसाब से क्या पता फ्यूचर में कोई कंपनी यहाँ बिजनेस भी करने आ जाए और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाने आ जाए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट स्टेप लेते हो, ऐसा कोई इकोसिस्टम बनाते हो उसकी वजह से। ठीक है, यही था आर्टिकल में, बाकी कुछ नहीं है। ये एक आर्टिकल है यूएसए का है, लेकिन कुछ काम का नहीं है। लीव इट, द क्लाइमेट लॉ सूट अगेंस्ट द डेल्टा एयरलाइंस, कुछ नहीं, डेल्टा एयरलाइन एक एयरलाइन है यूएसए बेस्ड, तो उन्होंने वहां पे ये बोला कि हम ग्रीन एयरलाइन है। ठीक है, वॉट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज अब्सॉर्ब, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल है, मतलब जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी एयरलाइंस उतने हमने पेड़ बना डाल मतलब लगा दिए हैं, वो उतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उसके अंदर एक सिटीजन ने अमेरिका के उनके ऊपर लॉ सूट किया, मतलब केस डाल दिया, और बोला ऐसा कुछ नहीं है, तो वो चल रहा है उनका, चलने दीजिए। ठीक है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। अनुराग ठाकुर, इन्होंने बोला है कि इंडिया ने अभी तक 160 नेशंस को कोविड जैब्स दिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं, हीडिंग इम्पोर्टेंट थी उसकी। हाँ ये एक इम्पोर्टेंट है, चाइना ब्लॉक्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चाइना ब्लॉक्स द प्रपोजल एट यूएन टू ब्लैकलिस्ट 26/11 टेरर अटैक एक्यूज साजिद मीर। ठीक है, 26/11 अटैक में मुंबई के साजिद मीर का नाम था जिसको चाइना ने ब्लॉक किया है। अभी ध्यान से सुनना, चाइना एंड पाकिस्तान, अब चाइना एंड पाकिस्तान, मैंने अभी बताया दे आर ऑल वेदर फ्रेंड्स। ठीक है, दे आर ऑल वेदर फ्रेंड्स, मतलब कुछ भी हो जाए दे विल बी टुगेदर फॉर एवर। ठीक है, तो उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रपोजल आया था कि इसको, ही इज अ प्राइम एक्यूज, ठीक है, 26/11 के अटैक में, तो इसको ग्लोबल टेररिस्ट बनाओ, तो उन्होंने उसको वेटो यूज करके नहीं बनाया। वी विल गो थ्रू द आर्टिकल। ठीक है, चाइना ऑन ट्यूजडे ब्लॉक अ प्रपोजल बाय इंडिया एंड यूएसए, दोनों का प्रपोजल था, इंडिया और यूएसए का, एट द यूनाइटेड नेशंस टू डेजिग्नेट पाकिस्तान बेस्ड लश्कर ए तैयबा टेररिस्ट साजिद मीर एज अ ग्लोबल टेररिस्ट। ठीक है, एज अ ग्लोबल टेररिस्ट, ये प्रपोजल किसके अंडर आया था, अंडर द, ये इंपॉर्टेंट है, 1267, ठीक है, 1267 अलकायदा सैंक्शन कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ये याद रखना, 1267 अलकायदा सैंक्शन कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इसके अंदर प्रपोजल आया था, और इसी के अंदर बहुत सारे टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, एज अ ग्लोबल टेररिस्ट एंड सब्जेक्ट हिम टू द, अगर इसके अंदर डिक्लेयर होता है तो क्या होता है, एसेट्स आर फ्रीज, ट्रैवल बैन एंड आर्म एम्बार्गो। ठीक है, मतलब वो खुद के पास आर्म नहीं रख सकता, कहीं ट्रैवल नहीं कर सकता, और खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं रख सकता। ठीक है, ठीक, पाकिस्तानी अथॉरिटीज हैड इन द पास्ट क्लेम दैट द मीर हैड डाइड। ठीक है, वाह, उन्होंने बोला ये मरी गया है। ठीक है, बट जब वेस्टर्न कंट्रीज ने उसका प्रूफ मांगा कि हमें प्रूफ दो, तो उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, यही इशू है जिसकी वजह से FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर, अभी पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर ग्रे लिस्ट में था। ठीक है, तो दिस वॉज द इशू बिकेम अ मेजर स्टिकिंग पॉइंट इन द असेसमेंट बाय द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑफ पाकिस्तान प्रोग्रेस ऑन एक्शन प्लान एट लास्ट ईयर। ठीक है, पिछले साल जब वो ग्रे लिस्ट में था तो उसके उसको यही इसी पॉइंट पे, किसका नाम है इसका, साजिद मीर, ठीक है, इसी के इस पे उसको स्टक किया था ग्रे लिस्ट में। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखिए बस।
इंडिया यूएसए श्योर वैल्यूज एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। मोदी जी जा रहे हैं, जाएंगे तो डेवलपमेंट होगी, अभी ये सारा प्रिडिक्शन है, ठीक है। तो इसको पढ़ने में कोई मतलब है नहीं, ये होगा वो होगा, जब जाएंगे जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। चाइल्ड लाइन ये इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड लाइन 1098 टू बी मर्ज्ड विद 112 लाइन इन 9 स्टेट्स, ठीक है। देखो, वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द फर्स्ट वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री डिसाइडेड टू डू अवे, मतलब छोड़ देना, विद द कंसेप्ट ऑफ एनजीओ रनिंग चाइल्ड लाइन। पहले एनजीओ चाइल्ड लाइन रन करते थे, लेकिन अभी वो उन्होंने वो खत्म कर दिया। अ काउंसलिंग एंड डिजास्टर रिलीफ हेल्पलाइन ऑफ चिल्ड्रन विच हैज बीन अटेंडिंग टू द चिल्ड्रन अंडर द इमरजेंसी सिंस 1995, ठीक है। 1995 से चाइल्ड हेल्पलाइन थी और उसको एनजीओ रन कर रहे थे, ओके। इन द फर्स्ट फेज मिनिस्ट्री हैज मर्ज द 1098 हेल्पलाइन विद द 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम इन 9 यूनियन टेरिटरीज, मतलब वो फेज वाइज मैनर में हर जगह लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट फेज में यहाँ, बाकी के अगले फेज में एक जगह। ये सारा किसके अंडर का चल रहा है? वन नेशन वन हेल्पलाइन, ठीक है। दिस इज द मोटिव, ये विजन है, वन नेशन वन हेल्पलाइन के अंतर्गत ये मर्ज किया जा रहा है, ठीक है। मिनिस्ट्री अंडर इस्टरवेल, इसके पहले क्या होता था, मिनिस्ट्री चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम, ठीक है, ये लागू की थी, वॉज सपोर्टिंग 24/7 हेल्पलाइन चाइल्ड सर्विस, ठीक है। मिनिस्ट्री की चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम के अंतर्गत 24/7 हेल्पलाइन दी जाती थी चिल्ड्रंस को थ्रू द चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन एंड इट्स पार्टनर एनजीओस, ये दोनों मिलके चाइल्ड लाइन देते थे, ठीक है। मतलब इमरजेंसी में बच्चा होगा तो 1098 पे कॉल लगाएगा, तो एनजीओ एक तो फोन उठाएगा, नहीं तो चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन ये फोन उठाएंगे, लेकिन अभी ये बंद कर दिया गया है। चाइल्ड इंडिया फंड नेटवर्क कुड बी कवर ओनली 568, तो अभी इंडिया में 750 के आसपास स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से पार्टन, तो अभी 568 स्टेट को ये प्रोवाइड करता था, तो 200 बचते थे, ठीक है। तो अनकवर्ड चाइल्ड लाइन के अंदर आते थे डिस्ट्रिक्ट, दैट्स वाई इन्होंने मर्ज किया है, ठीक है। यही था इसमें इतना इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट है, इंडिया फर्स्ट mRNA वैक्सीन अगेंस्ट ओमनिकॉन प्रूव्ड, ठीक है। एक कंपनी है जिसका नाम है जिनोवा, इसने पहली बार एक इंडिया ने एक पहली बार इस कंपनी के अंदर एक वैक्सीन बनाई ओमनिक्रोम के लिए जो mRNA पे है, उसका नाम है जेम को वैक ओम, ठीक है। जेम को वैक ओम इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस mRNA वैक्सीन फॉर ओमनिक्रोन वेरियंट, ठीक है। ये अप्रूव हो गई, लेकिन याद रखना अंडर इमरजेंसी यूज गाइडलाइंस, अंडर इमरजेंसी यूज गाइडलाइंस, ठीक है। और बाय द DGCI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव किया है, ठीक है। और इसी कंपनी ने एक साल पहले और एक वैक्सीन बनाई थी जेम को वैक 19 अगेंस्ट COVID-19, ठीक है, ये याद रखना। जेम को वैक को ओम जो है ना, जेम को वैक ओम वॉज स्टेबल इन 2 to 8 degree Celsius रेंज, ठीक है, मतलब इतने कम टेम्परेचर में वो स्टेबल रहती है, इसलिए इसको कैन बी स्टोर्ड इन एनी ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है। एडमिनिस्टर्ड इन टू द स्किन वाया निडल फ्री फार्माजेट सिस्टम, ठीक है, निडल लगाने की जरूरत नहीं है इंजेक्ट करने के लिए, फार्माजेट सिस्टम से ही दे सकते हैं इसको, ठीक है। जेम को ओम हैज अ ग्रेटर सेफ्टी प्रोफाइल एज कोविशील्ड एंड जनरेटेड अ मोर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, यही है, कुछ नहीं है, छोटा सा पॉइंट था। हाँ, ट्राइबल मैट आर्ट ओन इन टू द योगा डे फर्स्ट टाइम दिस टाइम, ठीक है। योगा डे आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए योगा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो ट्राइबल आर्टिसंस ने मैट बनाई है उसको प्रमोट करेगी इंडिया, ठीक है। इंडिया विल प्रमोटिंग द स्किल ऑफ अ ट्राइबल आर्टिसंस दिस योगा डे, ठीक है। ट्राइफेड, ट्राइफेड का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड इज कोलैबोरेटिंग विद विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ट्राइफेड इज कोलैबोरेटिंग विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू सप्लाई 34,000 योगा मैट्स प्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द ट्राइबल आर्टिसन अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। इसमें अलग अलग वाइब्रेंट थीम्स होंगी, डाइवर्स कल्चर हेरिटेज रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, लोकल आर्ट को प्रमोट करेंगे। इस साल के योगा डे की
इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या है? योगा फॉर वसुंधेव कुटुंबकम। ठीक है, यही है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ ये एक मस्त है। पाकिस्तान कोर्ट इश्यूज नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट फॉर इमरान खान। ठीक है, इसका मैं थोड़ा ना आपको एक थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा आज। देखो, इमरान खान ने पिछले साल और उसके पिछले साल जितने भी स्पीचेस दिए, उन्होंने ये बात बहुत गौर से बोली है कि टू चेंज द रिजम, मतलब जो उनकी गवर्नमेंट है उसको तख्ता पलट करने के पीछे यूएसए गवर्नमेंट का हाथ है, यूएसए का हाथ है, मतलब बाइडन गवर्नमेंट का। ठीक है, बाइडन गवर्नमेंट के अंतर्गत डोनाल्ड लू नाम के एक पॉलिटिकल ऑफिसर थे। ठीक है, ठीक है, एक एम्बेसडर है। ठीक है, तो ही इज वेरी नोन फॉर द रिजिम चेंज। ठीक है, उनका एक टैग है, आई विल एक्सप्लेन, लिसन केयरफुली। डोनाल्ड लू, ठीक है, ही इज एन एम्बेसडर, एक फॉरेन अफेयर ऑफिसर से। ठीक है, तो ये जिस भी कंट्री में जाते हैं वहां की वो रिजिम चेंज करते हैं। देखो, यूएसए एक पावरफुल कंट्री है, ठीक है, यूएसए इज ए वेरी पावरफुल कंट्री, इंडिया भी बनेगा एक दिन, तो दे वॉन्ट टू कंट्रोल द फॉरेन नेशंस अकॉर्डिंग टू देयर आइडियोलॉजीज और अकॉर्डिंग टू देयर बेनिफिट्स। तो वो उनका इंटरेस्ट के हिसाब से उसको चेंज करते हैं, अगर कोई सुनता है तो ठीक है, नहीं तो उसको बदल देते हैं गवर्नमेंट को ही। ठीक है, तो जो डोनाल्ड लू है, ये नाम याद रखना, आज गूगल भी कर लेना, डोनाल्ड लू जो है, इनका नाम इमरान खान ने बहुत बार लिया है। ठीक है, इमरान खान ने क्या बोला है, डोनाल्ड लू जो है इन्होंने मेरी गवर्नमेंट चेंज की है। ठीक है, तो ये डोनाल्ड लू पहले किर्गिस्तान में थे, तो पाकिस्तान में आए बाद में, तो मतलब ये बाहर, मतलब इनिशियली ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ ऑफिसर, ठीक है, फॉरेन ऑफिसर, उसके बाद उनका अवधा बढ़ता बढ़ते गया, एंड नाउ ही इज अ आई थिंक ही इज अ एशियन हेड ऑफ, मतलब एशियन फॉरेन अफेयर्स के हेड है वो यूएसए के अंदर। ठीक है, वो जम्मू कश्मीर में भी थी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी वो फॉरेन ऑफिसर बोल के यूएसए के थे एम्बेसडर। तो अभी मैं इतना क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इनके साथ राहुल गांधी जी की एक मीटिंग हुई है। ठीक है, ये व्हाइट हाउस मीटिंग हुई, बंद कमरे में मीटिंग हुई, और उसके बाद व्हाइट हाउस का कोई प्रेस रिलीज भी नहीं आया, और फिर इनकी एक स्टेटमेंट आई इनकी मीटिंग के बाद, दे से दैट इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। ठीक है, एक लिविंग डेमोक्रेसी इंडिया। और उसके बाद 15 डेज पहले ये मीट हुआ था राहुल गांधी जी का यूएसए में। ठीक है, और अभी मोदी जी जा रहे हैं आफ्टर 20, मतलब उनकी मीट के बाद 15 डेज पहले ये हुआ, अभी मोदी जी जा रहे हैं, तो यूएसए कुछ तो भी कर रहा है इंडिया में भी। ठीक है, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। बस यही था आज के पेपर में, स्पोर्ट्स में कुछ आया नहीं आज अच्छा, साइंस टेक में भी कुछ नहीं है इतना अच्छा। ठीक है, थैंक यू।